दोस्तों, वैसे तो आपने काफ़ी वाटरफॉल देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको लेके जा रहे हैं छिंगरा वाटरफॉल। छिंगरा वाटरफॉल एक ऐसा वाटरफॉल है जो है आयरन सिटी के बीच के अंदर स्थित। जी हाँ गाइस, हम बात कर रहे हैं उड़ीसा सिटी की। उड़ीसा जहाँ पर पहाड़ों के अंदर भरा हुआ है काफ़ी सारा खनिज, जहाँ से निकलता है मैंगनीज, आयरन, लोहा और भी जाने पता नहीं क्या क्या खनिज निकलते हैं। तो आज छिंगरा वाटरफॉल को एक्सप्लोर करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा और मजे लीजिए। दोस्तों, ये जो ट्रकों की लंबी लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये कोई जाम नहीं है, ये है नो एंट्री। बड़बिल सिटी के अंदर रात को 8 बजे खुलता है नो एंट्री, तब तक ट्रकों की लाइनें इसी तरह खड़ी रहती है और हज़ारों की तादाद में ट्रक खड़े रहते हैं जिनके अंदर आयरन और मैंगनीज लदा होता है। तो ये वेट कर रहे हैं नो एंट्री खुलने का। और ये हम बड़बिल से अभी एग्ज़िट हो रहे हैं और जा रहे हैं बोलानी की तरफ। जी हाँ गाइस, बोलानी एक माइंस है जिसके अंदर आयरन और मैंगनीज को रिफाइन किया जाता है और उनको ग्रेड के अकॉर्डिंग जो है उनको अलग अलग किया जाता है। तो उसके लिए काफ़ी सारी मशीन्स यहाँ पे लगी रहती है। और ये देखिए गाइस, ये है यहाँ की रोड। इस रोड के ऊपर यदि कोई व्हीकल चला जाता है एक बार, और स्पेशली वाइट कलर का व्हीकल चला गया, तो वो हो जाता है ऑरेंज कलर का, क्योंकि यहाँ की मिट्टी का रंग जो है वो है नारंगी। दोस्तों, फिर चाहे वो घर हो, दुकान हो, मकान हो, यहाँ का भगवा रंग, यहाँ की मिट्टी का रंग आपको अपने आप में रंग ही लेता है। हमने भी हमारे जूतों को जब पलट के देखा तो वो वाइट से हो चुके थे ऑरेंज, क्योंकि यहाँ की मिट्टी का रंग इतना ज़्यादा लाल है, इतना ज़्यादा लाल है कि, और स्पेशली जब बारिश की बूंदें इस पर पड़ती है तब इसका एक अलग ही रंग निखर कर यहाँ पर निकलता है। बड़बिल से झिंगरा वाटरफॉल का डिस्टेंस अराउंड 10 किलोमीटर है। रोड नहीं बनी हुई है, लेकिन आपकी गाड़ी इजीली वहां पर जा सकती है। ये गाइस, ये देख लीजिए, जंगल का एरिया हो गया है स्टार्ट। और ये जंगल जिसमें रहते हैं भालू, हाथी, बंदर, हिरण, तेंदुए, सांप, बिच्छू और भी न जाने कौन कौन से जंगली जानवर। बहुत ही प्यारा नज़ारा। किरीबुरु जाने से पहले हमने सोचा कि आपको झिंगरा वाटरफॉल के भी दर्शन करा दिए जाएं, जो कि बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं है, लेकिन हमारी टीम हमेशा आपके लिए नई नई डेस्टिनेशन को खोजने में लगी रहती है। तो गाइस, कल कल करते इस पानी की आवाज़ आपको सुनाई देनी स्टार्ट हो गई होगी और हम लोग पहुंच गए हैं झिंगरा वाटरफॉल। यहाँ पे बना हुआ है एक ब्रिज जो काफ़ी क्षतिग्रस्त हालत में है, आप देखिए, लेकिन जब आपको दिखाने की बारी आती है तो हमें पहुंचना पड़ता है सभी मुश्किलों को पार करते हुए, और पहुंच चुके हैं हम झिंगरा वाटरफॉल। ये देखिए गाइस, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है झिंगरा वाटरफॉल और यहाँ पे काफ़ी सैलानी आए हुए भी हैं
इस वाटरफॉल को देखने के लिए। तो धीरे धीरे हमारे कदम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे और हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे जहां पर है मेन चिंकरा वाटरफॉल। तो गाइस ये रास्ता भी काफ़ी टिपिकल रास्ता है, चिकनी मिट्टी होने के कारण हमारा पैर बार बार स्लिप हो रहा है इसके ऊपर, क्योंकि यहां की मिट्टी थोड़ी सी नमी ऑब्जर्व करके फिसलन पैदा करती है। लेकिन इन घने जंगलों के बीच में आखिर हम ले आए हैं आपको, तो आज आपको बिल्कुल मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज है संडे। संडे को थोड़ी भीड़ ज़्यादा होती है, और सबसे बड़ी खास बात कि इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया है, तो जश्न का माहौल हर जगह है। कोई पी के मनाता है, कोई घूम के मनाता है, कोई जश्न नाच के मनाता है। हमने भी सोचा है कि ये देखिए ये देखिए गाइस, ये पहुंच रहे हैं हम धीरे धीरे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, और हमें इन पहाड़ पत्थरों को पार करके जाना है अंदर की तरफ। गाइस ये देखिए गाइस, इस तरह से पानी के अंदर से प्रवेश करके हमें जाना है अंदर की तरफ, और हमारे जूते भीग चुके हैं, लेकिन हार तो हमने मानना बिल्कुल सीखा ही नहीं है। सांस थोड़ी सी लड़खड़ा रही होगी, थोड़ी सी बहक रही होगी हमारी सांसें, क्योंकि ऊपर चढ़ के जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मज़ा आपको आने वाला है। ये देखिए गाइस, जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे पानी का बहाव तेज होता जा रहा है। और ये देखिए गाइस, ब्यूटीफुल नज़ारा, खूबसूरती शहरों में नहीं, खूबसूरती आज भी लुप्त है हमारे भारत की गांव में और देहातों में। ये देखिए गाइस, इसे कहते हैं ओरिजिनल वाटरफॉल। इसके अंदर है काफ़ी सारे मिनरल्स, आयरन, मैंगनीज, इस पानी को पी लेते हैं तो आपके काफ़ी सारे रोग तो दूर हो जाते हैं। देखिए पहाड़ों के बीच में जाने कहां कहां से पानी निकल कर आ रहा है, और गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं। फाइनली हम पहुंच गए हैं हमारी डेस्टिनेशन के ऊपर, और ये वाटरफॉल देखिए गाइस किस तरीके से ऊपर से नीचे पानी गिर रहा है, और कैसे लोग बाग यहाँ पर मजे ले रहे हैं। ये देखिए गाइस, बहुत ही उम्दा नज़ारा वाटरफॉल का, आपको देखकर तबीयत खुश हो जाने वाली है इस वाटरफॉल को देखकर। इसका नाम है झिंगरा वाटरफॉल। पहाड़ों के बीच में स्थित ये वाटरफॉल किस तरह से पानी कल कल करके नीचे गिरता जा रहा है, और यह गिरता है 2400 घंटे। यहाँ पे कुछ चल रही है, कुछ उपद्रवियों के साथ द्वारा लड़ाई की जा रही है, लेकिन हम लोग उसकी भी परवाह किए बिना आप लोगों के लिए पहुँच गए हैं झिंकरा वाटरफॉल। ये पहाड़ों के नीचे ये देखिए गाइस, ये देखिए कितना आनंद आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत। और जो हवाएं हमारी तरफ बढ़ रही है, उसके अंदर पानी की बूंदें भी हम पे पड़ रही है। ये देखिए गाइस,
ये देखिए गाइस, इन पेड़ों पर लगे हुए हैं फल, फलों से लदे हुए पेड़। अब इस फल का नाम तो हमें भी नहीं पता, लेकिन फल की तादाद बहुत ज़्यादा है और बड़े बड़े फल हैं। और ये देखिए गाइस, और यहाँ पे देख के, ढेर को देख के पता लग पा रहा होगा कि यहाँ पर लोग बाग किस लिए आते हैं। क्या कर रहे हो यहाँ पे? हेलो जॉनी, इधर क्या करने आए हो? ये देखिए गाइस, अब चल वापस चलने का आ गया है वक्त। बहुत ही सुंदर नज़ारा था सच में। प्राकृतिक क्षेत्रों के अंदर, ऐसे नेचुरल वाटरफॉल्स के अंदर जाकर कुछ समय स्पेंड करने का एक अलग ही मज़ा होता है। लेकिन जितना आसान ये आपको ब्लॉग में दिखता है ना, उतना आसान ये एक्चुअल में होता नहीं है। तो ये देखिए गाइस, तो गाइस वक्त आ चला है आपसे लेने का अलविदा। और ऐसे प्राकृतिक माहौल, ऐसा नेचर आपको यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये है झिंकरा वाटरफॉल, जहाँ से हम ले रहे हैं अभी। टाटा और बाय बाय।